नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, इन दिनों ऋतिक का नाम कई फिल्मों के लिए सामने आ रहा है, लेकिन अब तक किसी भी फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आई है। हालांकि दोस्तों, ऐसी खबरें हैं कि फिल्म वॉर के बाद ऋतिक की अगली फिल्म सत्य पे सत्ता का रीमेक होने वाली है। वही दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमें मीडिया की तरफ से सुनने को मिला था कि ऋतिक को ऑफर हुई है बिग बजट फिल्म रामायण। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी और मॉम के डायरेक्टर रवि उदयवार मिलकर रामायण फिल्म बना रहे हैं। और दोस्तों, इस फिल्म का बजट तकरीबन 500 करोड़ रुपए बताया गया है। साथ ही इस फिल्म को हिंदी के साथ ही तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों, पिछले काफी टाइम से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि इस फिल्म में भगवान श्री राम के किरदार के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया है और ऋतिक ने इस फिल्म के लिए अपनी हामी भर दी है। तो वही सीता माँ के किरदार के लिए दीपिका पादुकोण से बात की गई है। लेकिन दोस्तों, अब इस फिल्म की कास्ट को लेकर डायरेक्टर नितेश तिवारी ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नितेश तिवारी ने रामायण को लेकर बताया कि मैंने अभी तक फिल्म की कास्ट के बारे में नहीं सोचा है, पहले हम सारा पेपर वर्क बाकी चीजों का प्रोसेस खत्म करना चाहते है, बाकी बातें हम बाद में शुरू करेंगे। हालांकि दोस्तों, यहां नितेश तिवारी ने ऋतिक और दीपिका को कास्ट करने की बात से ना ही इनकार किया है और ना ही हाँ किया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि फिल्म रामायण में ये दोनों सितारे नजर आ सकते हैं। और वैसे भी भगवान श्री राम के किरदार के लिए ऋतिक से बेहतर एक्टर और कोई हो ही नहीं सकता। तो ऋतिक और दीपिका के तमाम फैंस, आप बताइए कि क्या आप भी फिल्म रामायण में इन दोनों की जोड़ी को देखना चाहते हो या नहीं, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो डॉग चैनल को। जय हिंद।